अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को टैरिफ को लेकर भारत पर फिर निशाना साधा। ट्रंप ने ट्वीट किया, हम पिछले कुछ समय से भारत के साथ अमेरिकी उत्पाद पर लगने वाले टैरिफ को लेकर लगातार बात कर रहे हैं, अब यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। ट्रंप के इस ट्वीट को विशेषज्ञ दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच छोने वाले टकराव के रूप में देख रहे हैं। ट्रंप का यह ट्वीट बिल्कुल उस समय आया है जब भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार को लेकर बातचीत होना है। अगले सप्ताह यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स का एक दल नई दिल्ली आएगा। G20 समिट में भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हुई थी। टैरिफ से व्यापारिक बातचीत प्रभावित होगी। पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप ने मांग की थी कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ कम करे, यह अस्वीकार्य है। ट्रंप की इस बात को उस संकेत के तौर पर भी देखा गया कि यह दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापारिक समझौते को प्रभावित करेगी। भारत के कदम से अमेरिका नाराज था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने जून में अमेरिकी उत्पादों पर 28% ड्यूटी लगाई थी। इसके बाद अमेरिका ने भी कुछ भारतीय उत्पादों की यूएस में फ्री एंट्री पर रोक लगा दी थी। अमेरिका ने उस बात को लेकर भी नाराजगी जाहिर की थी जिसमें भारत ने क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो पर पाबंदी लगाई थी। इससे भारत में संचालित हो रही अमेरिकी कंपनियों का कामकाज प्रभावित हुआ था। अक्टूबर में ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग कहा। 2018 में दोनों देशों के बीच $142 बिलियन का व्यापार हुआ, इसमें $24 बिलियन का सरप्लस था। इस क्वार्टर में यह व्यापार और भी बढ़ने की उम्मीद है। ट्रंप ने इसके पहले भी भारत पर अमेरिकी उत्पादों पर लगाए जाने वाले हाई टैरिफ को लेकर निशाना साधा था। अमेरिका ने कहा था कि यदि भारत हमारे साथ किसी तरह की कोई डील करना चाहता है तो उसे पहले हमें खुश करना होगा। अक्टूबर में ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग बताया था।